नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। नेपाल की बाढ़ ने बिहार में तबाही मचा दी है। जी आपको बता दें कि अब आलम यह है कि अररिया में रेलवे ट्रैक पर जो है वो पानी उतर आया है और जिसके बाद रेलवे का परिचालन जो है वो रद्द कर दी गई है। कैसे आप तस्वीरों में देखिए, उसके बाद पूरी खबर जो है वो हम आपको समझाते हैं। अररिया में जो है इस कदर पानी का लेवल जो है वो बढ़ गया है कि रेलवे ट्रैक तक पानी पहुंच गई है। जी आपको बता दें कि नेपाल की नदियों में भारी उफान है, इससे अररिया में बाढ़ की हालात जो है वो बनी हुई है। इसका असर जो बनी रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह रेलवे ट्रैक पर पानी जो है वो भर गया है और इसके वजह से जो है परिचालन बंद कर दी गई है। जी आपको बता दें कि इसका असर जो बनी रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला है, जहां बाढ़ का पानी बॉर्डर से सटे जो बनी रेलवे स्टेशन के पटरियों पर आ जाने के कारण जो बनी आवागमन और प्रस्थान करने वाली सभी ट्रेनों को शनिवार से रद्द कर दिया गया है। अब फारबिसगंज से कटिहार के लिए ट्रेन जाएगी, इसकी सूचना रेलवे ने जारी कर दी है। दरअसल नेपाल के तराई वाले इलाके में भारी बारिश के कारण वहां की सारी नदियां उफान पर है। जो बनी से सटे नेपाल की नदी का पानी जो है जो बनी तक पहुंच गया है। किसलय नदी को अररिया जिले में परमान नदी कहा जाता है, नदी में रौद्र रूप धारण कर लिया है। इसका पानी रेलवे ट्रैक पर आ जाने के कारण जो बनी से कटिहार आने वाले सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन के कर्मियों से मिली जानकारी के अनुसार एक नंबर ट्रैक को छोड़कर दो और तीन नंबर ट्रैक पर पानी चढ़ गया है। रेल कर्मियों ने बताया है कि अब कटिहार जाने वाले यात्रियों को फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना होगा। जो बनी से ट्रेन बंद होने के कारण नेपाल और भारत के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेल कर्मियों ने बताया है कि रेलवे ट्रैक से पानी हट जाने के बाद आदेश अनुसार रेल का परिचालन फिर से शुरू हो जाएगा। जोगबनी रेलवे स्टेशन के रेल कर्मी ने बताया है कि नेपाल की नदी में आई बाढ़ के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ गया है, इसलिए यहां से परिचालन रद्द कर दिया गया है। पानी के हटने के बाद फिर से परिचालन बहाल किया जाएगा। अब कटिहार के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए फारबिसगंज जाना होगा। बता दें आपको कि नेपाल में बारिश के कारण कोशी नदी के साथ साथ अन्य नदियां भी उफान पर है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण नेपाल का लाल डकैया नदी का फतुआ स्थित बांध टूट गया है, जिससे बॉर्डर इलाके में पानी घुसने लगा है। इसके साथ किसले नदी जो अररिया के लिए परमान नदी है, इसमें लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। सुपौल के बीरपुर में कोशी बराज से रिकॉर्ड 6 लाख से अधिकतम पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे 20 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो बता दें आपको कि नेपाल में जिस तरह से बाढ़ का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसका असर जो है अब बिहार में भी देखने को मिला है। कई नदियां जो है उफान पर है, ऐसे में कई ऐसे खतरे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। निचले तबके में रहने वाले लोगों को इससे खासा परेशानियां हुई है, उनके घर इस दौरान तबाह हो चुके हैं और वो पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में अररिया से भी खबर ये निकलकर सामने आई है कि रेलवे ट्रैक तक पानी पहुँच गया है, जिसके कारण रेलवे का परिचालन जो है वो भी रद्द करना पड़ा है। हालांकि पानी के कम होते ही परिचालन जो है अगले आदेश तक शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल रेलवे भी इस पानी की वजह से बाधित हो गई है और उसके बाद लोगों के आवागमन में काफ़ी ज़्यादा असुविधा हो रही है और उसको लेकर अब हाई अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को वैसे जगहों पर जाने को मना कर दिए गए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह लगातार पानी का लेवल बढ़ रहा है, जिस तरह से नदियां उफान पर है, आने वाले दिनों में कोई बड़ी तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे आपको दिखाया गया है कि बराज के बांध जो है वो भी टूटते नजर आए हैं और ऐसे में जिस तरह से पानी का लेवल दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में बिहार में भारी तबाही की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें NBC 24 पर।